हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में रिपेयर करना सिखाएंगे। ये एलजी का माइक्रोवेव ओवन है, वो ओटीजी भी बोलते हैं। तो आज इसको रिपेयर करना सिखाएंगे और पूरे पार्ट्स खोल करके भी इसका दिखाएंगे कि कौन सा पार्ट्स से क्या काम होता है। तो इसका प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले में लाइट नहीं आता है। ये एलजी का है और इसका मॉडल नंबर है, ये देखिए, MC21438PP, ये मॉडल नंबर है। और ये स्टार्ट बटन है और ये स्टॉप है। कोई डिस्प्ले काम करता ही नहीं है। ये टच पैनल है, ये काम नहीं करता है, लाइन आता ही नहीं इसमें। और ये हो गया अंदर का है। तो इसको आज रिपेयरिंग करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरा समझ में आएगा। जो लोग सीखना चाहते हैं ओवन रिपेयर करना, वो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा जानकारी मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले इसको खोलेंगे, इसका बॉडी को। बॉडी खोलने के लिए देखिए, साइड में एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको पहले खोलते हैं। ये स्क्रू एक इस तरफ है, को खोल दिए। और दूसरे साइड भी एक है, इसको भी खोल लेंगे। ये भी खुल गया। और इसके बैक साइड में चार स्क्रू है, उसको भी खोल के आपको दिखा रहे हैं। इसका स्क्रू पूरा खोल दिए हैं। और इसका कवर को कैसे खोलते हैं, पहले लेंगे साइड से, पीछे खींच लेंगे थोड़ा सा, इसको निकाल लेंगे। इसमें लॉक होता है, देखिए आगे साइड में लॉक होता है, साइड से भी लॉक होता है। तो ऊपर उठा के पीछे खींचना पड़ता है, खुल जाता है बहुत आसानी से। उसके बाद ये अंदर का देखिए, जी साइड का है और ये दूसरे साइड का है। देखिए ये हो गया, आगे का साइड हो गया, इस तरफ सिर्फ खोलने के लिए है। और ये लेफ्ट साइड है, इधर कुछ नहीं है, सिर्फ इसका जो लाइट होता है, जो गर्म होता है हीटर, वो दो ठो हीटर यहाँ पर दिया हुआ है देखिए। और इसको खोलने से वो भी निकल जाएगा, इधर से कोई पार्ट्स इसका नहीं है। और ये हो गया पीछे का, पीछे का भी इसमें, इसके नीचे एक फैन होता है, तो उसको चेक करेंगे ये खोल करके, वो भी चेक करना सिखाएंगे। और ये हो गया राइट साइड का, जितना पार्ट्स है सब इधर लगा हुआ है। ये इसका मैग्नेट्रॉन हो गया। और ये हो गया ट्रांसफार्मर हो गया, ये डिस्प्ले पैनल हो गया, और ये फ्यूज है, फ्यूज है। और ये व्हाइट वाला है, ये फैन है, ये कूलिंग करता है। जब ये पूरा गर्म होता है तो ये ठंडा करता है। और ये देखिए, ये फ्यूज है, एक फ्यूज यहाँ पर है, इसको निकाल के ये देखिए फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज है, कवर करके रखा हुआ है इस फ्यूज को। इसको भी इसके नीचे देखिए, ये कैपेसिटर है, ये दिखाई दे रहा होगा, ये कैपेसिटर है इसके नीचे में। और ये डायोड है, ये फैन हो गया, और यह कनेक्टर लगा हुआ है, और कनेक्टर के पास में और एक फ्यूज है।
और ये चेक करने के लिए हमको चाहिए कंटिन्यूटी टेस्टर। ये कंटिन्यूटी टेस्टर है, इसी से पूरा चेक करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इसको चेक करने के लिए। ये देखिए जब सटाएंगे तो लाइट जलेगा, इसमें देखिए लाइट जल रहा है, इसी से चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले इसका मेन लीड दो ठो निकाल दिए हैं। ये तीन वायर आता है, एक अर्थिंग का है, ये ग्राउंड लग गया यहाँ पे बॉडी में, और एक न्यूट्रल है और एक फेज है। तो इसको चेक करेंगे सबसे कि पहले मेरा वायर इसका सही है कि नहीं। तो एक प्रोब यहाँ पर देंगे और एक कोई में चेक करते हैं। ये देखिए लाइट जल रहा है इसमें टेस्टर में, तो ये वायर सही है। अब दूसरा को चेक करेंगे, देखिए दूसरा वायर भी सही है, और अर्थिंग भी चेक कर लेते हैं, अर्थिंग भी ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा पता चल गया कि ये इसका कॉर्ड सही है। उसके बाद फ्यूज चेक कर लेंगे, ज़्यादा फ्यूज भी खराब हो जाता है, फ्यूज चेक करेंगे। ये देखिए फ्यूज भी सही है, लाइट जल रहा है, फ्यूज भी सही है। तो यहाँ तक का चेक हो गया, अब इससे आगे का चेक करेंगे। तो वीडियो बहुत थोड़ा लंबा ही होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा पार्ट्स इसका पूरा वायर भी चेक करेंगे, इसका कहाँ से कहाँ तक इसका मेन लीड गया है उसको भी चेक करेंगे। तो पहले यहाँ से ये देखिए फ्यूज भी सही है, तो फ्यूज से ये देखिए फ्यूज से निकल के ये आउटपुट ये हो गया, आउटपुट ये हो गया, दोनों इनपुट ये दोनों था, ये दोनों इनपुट था, ये लाइन और न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया, ये लाइन। तो इसको ट्रेस करेंगे भी कहाँ जा रहा है, ये फेज वायर ये है। तो ये देखिए ये रेड कलर का वायर यहाँ आया, ये थर्मोस्टेट में आया है, नजदीक से दिखे। ये थर्मोस्टेट में आया है, तो थर्मोस्टेट को भी चेक करेंगे। ये देखिए थर्मोस्टेट भी सही है, यहां तक पता चल गया सही है, ये वायर यहाँ आया, और ये थर्मोस्टेट से फिर और दूसरा थर्मोस्टेट में गया। ये थर्मोस्टेट को भी चेक करेंगे, ये भी सही दिखा रहा है। ये देखिए ये भी सही दिखा रहा है, दोनों थर्मोस्टेट और फ्यूज सही है, यहाँ तक सही है। और फिर यहाँ से अब देखिए कहाँ निकल के गया है, ये देखिए यहाँ से ये स्विच में आ गया है। अब ये जो ये वायर आया है वो देखिए यहाँ स्विच में चला गया है, स्विच। और ये स्विच कहाँ है, देखिए दो स्विच है, ये जब डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पर लॉक है, ये देखिए ये लॉक है नीचे का, ये ऊपर का, जब ये लगाते हैं उसके बाद ही ऑन होगा। तो यहाँ देखिए जब डोर जब बंद करेंगे तो यहाँ देखिए, और ये रेड कलर का छोटा दिखाई दे रहा है वो स्विच है, अभी खुला हुआ है तो अभी दिखाई दे रहा है, जैसे ही डोर लॉक करेंगे वो आके जो दिखाए तो वो प्रेस करता है और ये बंद हो गया, और यहाँ से स्विच ऑन होगा, उसके बाद ही आगे लाइन पास होगा। तो ये दोनों कनेक्टर है, तो ये स्विच को भी चेक करेंगे। उसके लिए इसका जो इसको निकाल लेंगे कनेक्टर को, ये देखिए कनेक्टर निकाल दिए, ये दोनों का थिम्बल है, इसको निकाल दिए, इसको फिर कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करेंगे। इसका भी दो पॉइंट है, तो एक पॉइंट नीचे है इसका, एक पॉइंट नीचे है और एक ऊपर है। ये देखिए लाइट जला, इसका मतलब स्विच भी ऑन ऑफ सही काम कर रहा है, तो यहाँ से भी खराब नहीं है। अब इसको फिर और ट्रेस करेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। एक वायर गया है यहाँ, ये देखिए एक वायर ये भी गया है, ये ओवरलोड में चला गया है, ओवरलोड को भी चेक कर लेंगे एक बार। ओवरलोड का भी लाइट जल रहा है, ओवरलोड भी सही है। और कहाँ खराब है वहां तक जाएंगे इसको, अब ये भी सही है,
अब ये जो रेड वाला मोटा वायर है इसको ट्रेस करेंगे, ये कहाँ तक जाता है। तो ये वायर आ गया है ये कनेक्टर में, ये देखिए यहाँ कनेक्टर में आ गया है। इसको खोलेंगे पहले, खोल दिए। अभी यहाँ तक ये नीचे का जो स्विच है यहाँ तक मेरा लाइन सही है, अब वहां से लेके ये कनेक्टर तक लाइन आ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो इसके लिए कहीं से भी ले लेंगे थर्मोस्टेट से। हाँ, थर्मोस्टेट से यहाँ तक ले लिए। ये देखिए यहाँ तक भी लाइन आ रहा है, मतलब तो यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से ये वायर को ही चेक करेंगे। ये वायर पीछे तरफ गया है फैन की तरफ, तो वहाँ भी चेक करेंगे एक बार। तो ये चेक करने के लिए ये बैक कवर भी खोलना पड़ेगा, तो वो खोल लेते हैं पहले। इसका बैक कवर भी खोल लेंगे, इसीलिए देखिए चार स्क्रू दिया हुआ है, एक यहाँ है, इसको भी खोल लेंगे चारों स्क्रू को। पहले खोल लेते हैं, ये देखिए खुल गया ये बैक कवर। तो अभी यहां से लेके ये देखिए ऊपर का है, यहां तक ठीक था। अब यहां से लेके यहां तक का करंट चेक करेंगे पहले। देखिए लाइट जल रहा है, यहाँ तक भी सही है, और ये भी जल रहा है। इसका मतलब ये कोयल वाइंडिंग है फैन के लिए, ये छोटा फैन दिया हुआ है उसके उसका वाइंडिंग है, तो ये भी सही है, यहाँ तक सही है। मोटर भी मेरा सही है, यहाँ तक लाइन आ रहा है। उसके बाद एक और थर्मोस्टेट है नीचे में, अभी हम सीरीज से ये फैन को चेक करेंगे। ये जो छोटा फैन देख रहे हैं उसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए सीरीज ले लिए, ये मेरा सीरीज है, और ये दो पॉइंट है इसके, ये थोड़ा और ऊपर करके। पूरा दो पॉइंट है, उसको चेक करेंगे। ये देखिए वायर टच हो रहा था, इस पर आवाज कर रहा था, चल रहा है। तो पीछे देखिए यहाँ तक का चेक हो गया। अब इसको कवर लगा देते हैं, अभी इधर का जरूरत नहीं है चेक करना, यहाँ तक चेक कर लिए। ये थर्मोस्टेट भी चेक करना बता दिए, ये देखिए थर्मोस्टेट सही है, देखिए लाइट जल रहा है, थर्मोस्टेट भी सही है, और ये कोयल भी दिखा दिए, कोयल भी सही है, देखिए कोयल भी सही है, लाइट जल रहा है, इसका कोयल भी जो हीटिंग कोयल है रॉड वो भी सही है। तो इसका कवर लगा देते हैं, कवर लगा के अब दूसरे साइड से चेक करके दिखा रहे हैं। तो इसका अभी देखिए, अभी यहाँ हम लोग पूरा चेक कर लिए वायर को, ट्रेस करते करते ये वायर यहाँ तक आया, ये रेड वायर, ये देखिए रेड वायर आया है, और रेड वायर गया है यहाँ यहाँ गया है, ये पीसीबी में चला गया है। तो अब पीसीबी खोल के चेक करेंगे, यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ तक लाइन आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करेंगे,
और चेक करके दिखाएंगे, ये जो रेड वायर है वो हो गया लाइन का, और ये जो ब्लू है न्यूट्रल का, ये लाइन और न्यूट्रल दोनों दोनों ट्रेस किए यहाँ तक आ गया। उसको आप आसानी से, जो इतना वायर ज़्यादा दिखाई दे रहा है एक एक करके लाइन, बाकी कोई वायर चेक नहीं करना है, सिर्फ लाइन और न्यूट्रल ये दोनों ट्रेस करना है कि कहाँ तक जा रहा है। यहाँ तक आया ये रेड, देखिए रेड और ये ब्लू यहाँ तक आया है। इसको यहाँ चेक करेंगे और इसका वोल्टेज भी, मल्टीमीटर चाहिए, मल्टीमीटर से वोल्टेज भी चेक करेंगे यहाँ तक। तो इसको चेक करने के लिए निकाल लेंगे, देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है, ये निकल गया, निकल गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, अभी चेक करेंगे। ये देखिए ये जो रेड वाला है, ये रेड रेड में एक पॉइंट इसका टच करेंगे और एक कहीं भी ले लेंगे, जहाँ पर फेज मिला था वहाँ कहीं भी ले लेंगे थर्मोस्टेट में। देखिए लाइट जल रहा है, मतलब यहाँ तक सही है। देखिए ये सब यहाँ फ्यूज से ले लिए डायरेक्ट, तो यहाँ से वो मतलब मेरा वो फेज वही है, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक मेरा वायर सब सही है, कंटिन्यूटी मिल रहा है। अब मल्टीमीटर से चेक करेंगे वहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए ये जो दोनों पिन था मेन लाइन का वो जोड़ देंगे। ये देखिए लाल वाला यहाँ लिखा हुआ है एल और एन, तो इसको लाइन में लगा देंगे और इसको न्यूट्रल में लगा देंगे और पावर दे के देखेंगे यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। इसके लिए मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को 750 के रेंज में 80 वोल्ट पर लगा दिए। अभी यहाँ मल्टीमीटर का दोनों प्रोब लगा दिए हैं और वोल्टेज देखेंगे इसमें। तो यहाँ देखिएगा मल्टीमीटर में, थोड़ा एक हाथ से दिक्कत होता है थोड़ा, अभी देखिए यहाँ लगा दिए दोनों प्रोब, ये देखिए वोल्टेज यहाँ सही दिखा रहा है, थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, वोल्टेज यहाँ सही है, थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, देखिए एक हाथ से पकड़ने में दिक्कत हो रहा है। देखिए 244, 43 ऐसे वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये यहाँ तक सही है। देखिए अभी तक जो वायर ट्रेस करते हैं न्यूट्रल और फेज यहाँ तक सही है, यहाँ के बाद जो डिस्प्ले में गया है टच पैनल में वहाँ तक लाइन नहीं जा रहा, इसका मतलब मेरा ये सब सही है और ये डिस्प्ले खराब है इसका, डिस्प्ले पैनल। तो डिस्प्ले पैनल को रिपेयर करेंगे और आपको यहाँ दिखा दें कि ये अभी हमारा ये ओवन कैसे काम करता है। इसको यहाँ और एक ये कनेक्टर लगा हुआ है मैग्नेट्रॉन में, जो मैग्नेट्रॉन है ये इसमें यहाँ तक, यहाँ देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ मेरा न्यूट्रल और फेज इस तरफ से इनपुट आता है, ये प्राइमरी सेक्शन हो गया, ये प्राइमरी सेक्शन हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। तो इसमें यहाँ इनपुट है, ये आउटपुट है, तो यहाँ से देखिए दो पिन लगा हुआ है, एक न्यूट्रल और फेज, ये ट्रांसफार्मर में आता है, 220 वोल्ट आता है, यहाँ 220 वोल्ट से ये यहाँ से ट्रांसफार्मर से 2000 वोल्ट DC बना के देता है, 2000 वोल्ट DC। और इधर देखिए नीचे कैपेसिटर दिखाई दे रहा होगा, ये कैपेसिटर, कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर में एक ये डायोड लगा हुआ है, तो कैपेसिटर से 2000 वोल्ट और बहुत आता है, तो 2000 वोल्ट और 2000 इधर 4000 वोल्ट मैग्नेट्रॉन में आता है, 4000 वोल्ट और 4000 पूरा हाई वोल्टेज में ये काम करता है। और ये देखिए जो जो दरवाजा का एक ठो ये स्विच दिखाए थे सेम उसी तरह दो ठो और नीचे में है, ये देखिए जब दरवाजा खोलते हैं तो दो ठो दिखाई देता है, एक ये और एक ये, तो ये ऊपर का दिखाए थे और नीचे का, ये देखिए नीचे का भी ये स्विच है येलो कलर का दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का, जब खोलेंगे तो ये देखिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जब बंद करेंगे तो वो प्रेस होके नहीं दिखा रहे, तभी
ये देखिए कैपेसिटर ट्रांसफार्मर और रिले दिखाई दे रहा है। अब इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए दो स्क्रू है, एक ये है और एक नीचे है। दोनों को पहले खोल लेते हैं।